प्रश्न, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? ज्ञान भी सुनाना है तो किस विधि से सुनाना है, ये भी सुप्रीम टीचर सभी को सिखा रहे। उत्तर, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुना। ऐसे सुनाओ, बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं, लाचारी से नहीं, क्योंकि लाचारी से सुनाने में सुनाने वाले को ही कुछ पता नहीं पड़ेगा। अब से कई बार मैं लाचारी में मुरली सुना रहा होता हूं, मुझे भी नींद आ रही है, सोचता हूं चलो सुना ही दू जैसी भी है, तो उससे क्या होता है, मेरे को ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, आगे वालों को क्या समझ में आएगा, आगे वालों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरे को उमंग उत्साह आ रहा है, मेरे को खुशी आ रही है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर सामने वाले को भी समझ में आएगा। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा, वो एक लाचारी हो गया। क्योंकि थकावट होती है, कोई कारण होते हैं जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम सुना देंगे, परंतु मैं देखता हूं कि नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। परंतु ये बात बहुत जरूरी है कि मुरली सुनाने से पहले कंप्लीट रेस्ट होना जरूरी है, ताकि आप स्वस्थ हो करके आप खुशी से, क्योंकि तभी खुशी होगी, पढ़ते वक्त मुझे ही खुशी नहीं हो रही, सामने वाले को भी खुशी नहीं हो सकती। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, क्योंकि चर्चा भी हम तभी कर सकते हैं, चर्चा भी हम तभी कर सकते हैं जब हम खुश हैं, उमंग उत्साह में हैं। अब कोई प्रश्न पूछे और मैं थका हुआ हूं, और मैं उसको कहूंगा भाई या तो कोई जवाब दूंगा ही नहीं, या जवाब दूंगा तो कुछ वैसा ही होगा। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की चर्चा भी तभी कर सकते हैं जब स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन जागृत है। यदि मन जागृत नहीं है, मन जागृत नहीं है तो स्वस्थ नहीं है, तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेंगे, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकेंगे। जब आप बातचीत नहीं कर सकेंगे, अपनी बात उन्हें समझा नहीं सकेंगे, तो आपके सुनाने का, ज्ञान देने का फायदा होने की बजाय, सर्विस होने की बजाय, वो तो डिससर्विस हो जाएगी। क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया तो वो कहेंगे छोड़ो। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में होकर के सुनाएंगे, तब आप बाबा के ज्ञान को सही रीति से, सही भाव से समझा सकेंगे, तो सुनने वालों को भी खुशी होगी, क्योंकि सामने वाले को कुछ मिलेगा तो उसे भी खुशी होगी। तो इस प्रकार से बाबा ने क्या वंडरफुल तरीका बताया है कि अपने आप को भी आत्मा समझना है, सामने वालों को भी आत्मा समझना है, और फिर बाबा की श्रीमत को खुशी से, और खुशी उसे मिलती है जिसको प्राप्ति हो। जिसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा वो फिर बच्चे की तरह रीडिंग कर देता। मेरा जो अनुभव है कि बच्चा खड़ा हुआ, किताब खोली और पढ़ दिया, वो बच्चे की तरह रीडिंग करेगा, वो उस पर मनन चिंतन नहीं करेगा, अपनी बुद्धि से उसे चेक नहीं करेगा और समझने का प्रयास नहीं करेगा। तो खुद समझेगा तो फिर औरों को भी समझाएगा। तो ये बातें बाबा की जो ना वंडरफुल, अनेक की देखो ना कितनी वंडरफुल विधि सिखाता है बाबा, एक एक छोटी छोटी बात हम सब बच्चों को सिखाता है कि कहां कोई कमी ना रह जाए। ओम शांति।